12 नवंबर 1996, दिल्ली से 100 किलोमीटर पश्चिम, गांव चरखी दादरी, शाम का समय। आसमान में अचानक जैसे तेज आवाज के साथ धमाका होता है और फिर जलते हुए लोहे की बारिश शुरू हो जाती है। यह तेज चमक और आवाज थी दो जहाज के आपस में टकराने की। शाम 3:55, कजाकिस्तान देश में एक शहर है श्यामकेंट। वहां से एक चार्टर एयरक्राफ्ट दिल्ली भारत के लिए टेक ऑफ करता है, जिसमें कई छोटे ट्रेडर्स हैं जो भारत से ऊन खरीदने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शाम के 6:33 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सऊदी अरेबियन की फ्लाइट 312 पैसेंजर के साथ उड़ान भरती। दोनों विमान से कम्युनिकेशन कर रहे थे वीके दत्ता। सऊदी वाला जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और वह 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की इजाजत मांगता है। वीके दत्ता ने यह इजाजत दे देते हैं। वहीं 15,000 फीट पर उड़ रहे कजाकिस्तान का जहाज उतरने की इजाजत मांगता है। दत्ता उन्हें 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहने को बोलते हैं। दोनों जहाजों के बीच 1,000 का वर्टिकल डिस्टेंस बना हुआ था। वीके दत्ता को रडार पर दोनों जहाज ब्लिंकिंग डॉट्स के रूप में दिख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, फ्यूज होते हैं और अचानक ही दोनों रडार से गायब हो जाते हैं। वीके दत्ता समझ जाते हैं कि कुछ बहुत सीरियस हो चुका है। दूसरी तरफ चरखी दादरी में जहाज के टुकड़े और जले हुए सब यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, पर सभी 349 पैसेंजर और क्रू मेंबर मारे जाते हैं। यह भारत के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कॉलिजन था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1000 फीट के वर्टिकल डिस्टेंस होते हुए भी ये आपस में टकरा गए? सर्च ऑपरेशन कर दोनों जहाज का ब्लैक बॉक्स बरामद किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के ऑडियो रिकॉर्डर से बरामद डाटा से पता चला कि कजाक वाले एयरलाइंस के पायलट वीके दत्ता की बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे। उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने एक ट्रांसलेटर रखा हुआ था जो इंग्लिश को रशियन में कन्वर्ट कर रहा था। मिसकम्युनिकेशन की वजह से मना करने के बाद भी ये 15,000 से 14,000 की फीट पर आ गए थे। दूसरी वजह, उस समय हम प्राइमरी रडार का इस्तेमाल कर रहे थे जो हमें वर्टिकल दूरी नहीं बता पाता था। इस घटना के बाद सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक और खास वजह थी, उस समय हम आने जाने के लिए एक ही कॉरिडोर का इस्तेमाल करते थे, जबकि अब हम आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं।